जैन दोस्तों, मैं रिधान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपना सुल्तानपुर चैनल पर। सुल्तानपुर में मनाई गई देव दीपावली सीताकुंड पर 2551 दीपों से जगमगा उठा घाट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन के बगल स्थित खाई में गिरी तेज रफ्तार बाइक हादसे में बाइक सवार की गई जान। अखंडनगर थाना क्षेत्र के रतनपुर एक्सप्रेसवे सर्विस लेन पर देर रात हुई घटना। मृतक की पहचान निवासी दोस्तपुर परसिया पारा डंडवा गांव के रूप में हुई है। अखंडनगर थाना अध्यक्ष बोले, PM रिपोर्ट के बाद की जाएगी कार्रवाई। सुल्तानपुर में नगर पंचायत सीटों को लेकर आरक्षण की स्थिति की लिस्ट आई सामने, आप देख सकते हैं। सांसद मेनका संजय गांधी के निर्देश पर सुल्तानपुर पुलिस ने नगर क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर लगाई रोक। सांसद मेनका संजय गांधी ने कहा कि नगर में भारी वाहनों के प्रवेश के चलते लोगों को होती है काफ़ी दिक्कत। भारी वाहनों के चलते जाम के साथ साथ बढ़ते प्रदूषण व सड़कों के धंसने के कारण नगरवासियों का जनजीवन होता है अस्त व्यस्त। अध्यक्ष बबीता जायसवाल ने नगर पालिका परिषद के से जबरन फायरिंग मशीन उठाने का आरोप लगाते हुए दुबेपुर ब्लॉक के ढकवा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। युवक की लाठी डंडे से पीटकर हत्या, घटना के बाद हत्यारे फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुटी, सुबह ही घर से निकला था युवक की लाठी डंडे से पीटकर हत्या, घटना के बाद हत्यारे। लमुआ में रेलवे सुरक्षा कर्मी ने महिला को लौटाया बैग, 2 लाख रुपए के जेवर से भरा था बैग। RPF चौकी पर सहयात्री ने रखा था कीमती बैग। सुल्तानपुर में सार्वजनिक रास्ते पर दबंग का कब्जा, लेखपाल ने की थी जांच, रिपोर्ट भेजने के 2 माह बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण। कोतवाली देहात के कमनगढ़ में दबंग ने सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध कर रखा है। पत्रकार के साथ हुई घटना, पत्रकार निसार अहमद आज सुबह 9 बजे जौनपुर जाने के लिए प्यागीपुर चौराहे पर खड़े थे, वहीं पर किसी ने उनका मोबाइल फ़ोन निकाल लिया। या ये तस्वीर है सुल्तानपुर जिला अस्पताल में बने ब्लड बैंक के बगल स्थित शौचालय की, जहां पर तीमारदार लोग आते हैं। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।